हेलो नहीं, हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। सर, नमस्ते जी। हाँ हाँ जी, कल आपसे बात हुई थी जी। और मेरे मिसेज की एज है 30 साल। हाँ जी। इसको मतलब बच्चे जाने की रिकवरी की दिक्कत है। हाँ, आपने बताया था तो उन्होंने वॉक रेस्ट वगैरह शुरू कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, वो ना थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था। मतलब पानी, मतलब जिसमें आज तो हमने कम पिया ना जी। हाँ जी। वैसे वो 1.5-2 लीटर पानी पीते थे। आज हमने मतलब 3 बार 3-4 बार पानी पिया है, 4 बार दो से। कल कैसे करना है, और उसी का पूछना था। अगर मतलब प्यास लगती है तो पानी पीना है कि नहीं पीना है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट है वॉक एंड रेस्ट, 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना। वो कितना देर किया आज, वो आधा घंटा किया जी। उसको बढ़ाइए, ठीक है उसको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी बढ़ाइए, और करते करते उसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर 3-4 घंटे तक लेके जाओ। अच्छा, तो ठीक है। और ये नंबर आपका और व्हाट्सएप पानी पर है, का? हाँ जी, हाँ जी, व्हाट्सएप नंबर ही है। मैं आपको ना पूरे महीने का वो 1 महीने बना के रखा है, मैं आपको वो भेज रहा हूँ। और सबसे ज्यादा जी, भेज इम्पोर्टेंट जो देते मैं हैं। बार बार कह रहा हूँ, वॉक एंड रेस्ट है। जितना जल्दी वो जितना ज्यादा वॉक एंड रेस्ट करोगे उतना जल्दी आराम मिलेगा। ओके ओके ओके, मैं ठीक है, आपको अभी ठीक भेज है। रहा अच्छा हूँ, व्हाट्सएप पर भेज रहा हूँ। अच्छा ठीक है। सर, मैंने और बात पूछनी थी, जो प्रेरणा का स्केयर हुआ है, अभी सारा लॉकडाउन हो गया है, सर, हाँ जी, क्या कोरोना कोरोना का स्केयर हुआ है सभी जगह पर अभी। मैं कोरोना के ऊपर अभी एक वीडियो बनाकर 15-20 मिनट में वो भी भेज रहा हूँ आपको। पंद्रह अच्छा, तो बीस वैसे मिनट तो नहीं, अगर घंटा किसी भी लग को, जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, अगर बाई चांस किसी को फीवर हो ही जाए ना, किसी को हाँ, आसपास, तो उसमें क्या करना चाहिए, उसमें बाकी सेम बंद सेम करना सेम चाहिए? सेम करना है, वॉक एंड रेस्ट करो। और अगर किसी को फीवर हो जाए तो करीब 18 घंटे या 24 घंटे के लिए अच्छे से वॉक एंड रेस्ट करो, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और 12 घंटे के अंदर अंदर आपका कोल्ड एंड कफ और ये सब खत्म हो जाएगा। आज की डेट में कोरोना से ज्यादा जो अच्छा, प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि अगर किसी को खांसी आती है, किसी ने रिपोर्ट कर दिया, तो आपको उठा के ले जाएंगे। ठीक है। सबसे मेजर प्रॉब्लम तो है, फिर आपको कोरोना वालों के साथ रख देंगे, तो जिसको नहीं भी होगा उसको भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है ना, तो अगर आप इसको करेंगे तो आपको 12 घंटे से पहले ही, आपको जैसे ही मतलब एक दो भी खांसी छींक कुछ भी आए तो आप ये शुरू कर दें, और 10-12 घंटे तक अच्छा। कंटिन्यूअसली करते रहे, मतलब पांच और पांच मिनट वाला। इसके इसके दौरान जो पानी वगैरह पीना है, काम ज्यादा क्या करना है उसमें? हाँ, पानी तो उसके साथ में कम करना ही है। पानी मतलब उतने करना है, रोटी के साथ ही लेना है? हाँ, वो मैं शेड्यूल आपको भेज देता हूँ। अच्छा, नहीं, मैं ये इसी का पूछ रहा हूँ, अगर बुखार में अगर कोई व्यक्ति करता है उसमें भी यही करेंगे तो उसके बहुत बाद। जल्दी 1 ही दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। अच्छा, नहीं, उसमें पानी कितना रखना है, उसमें उसमें भी काम ही रखना होता है? उसमें पूरा भी छोड़ दो तो भी कुछ नहीं होता, पूरा छोड़ने से बल्कि जल्दी ठीक हो जाता है। पानी एकदम से छोड़ दो तो अच्छा अच्छा अपने आप मतलब से पानी चौबीस कम घंटे कम ही रखना होता है? हाँ अच्छा, हाँ बस खाने के साथ में अगर आप ठीक एक गिलास ले रहे हो तो अगर बुखार से लगे तो आधा गिलास ही लो, है। आधा भी नहीं क्योंकि लो। वो हमने की देखी थी, वो कह रहे थे वो कोकोनट वाटर पीना चाहिए आदमी को, एक्स्ट्रा ये उतना सर, ये, ऐसा है, तो कोकोनट वो वाटर जितना मर्जी पी लो, कुछ नहीं होगा। जितना ज्यादा पियोगे उतनी प्रॉब्लम होगी आप। बल्कि पानी, अगर देखो सबसे पहली बात होती है बुखार है कितने। अगर आप पूछ रहे हो कि अगर 10 दिन से किसी को बुखार है तो उसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी डिहाइड्रेट हो चुका होता है। अगर अच्छा किसी अच्छा को अच्छा अभी बुखार हुआ, 2-4 घंटे हुए हैं, 5-6 घंटे हुए हैं, तो उसको तो आधा गिलास भी पानी नहीं, एक बूंद भी पानी मत दो 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर 100% ठीक हो जाएगा वो। ठीक अच्छा अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर। है, और आप मुझे वो मैं भेज रहा रिकवरी हूँ, के लिए भेज रहा है हूँ, ना कुछ वो भेज देना, ठीक है, भेज रहा हूँ, भेज रहा ताकि हम अच्छी तरीके से करते हैं। ओके। हूँ। ठीक है, ठीक।